एक्ट्रेस आलिया भट्ट एक बार फिर से मुसीबतों में घिर चुकी हैं। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि आलिया के खिलाफ बीते कुछ दिनों पहले ही एक केस दर्ज करवाया गया था, लेकिन एक बार फिर से आलिया के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि आलिया लगातार मुसीबतों में घिरती ही जा रही हैं। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते लंबे समय से आलिया चर्चाओं में बनी हुई हैं। फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर इस फिल्म में आलिया गंगूबाई काठियावाड़ी का किरदार निभाती हुई नजर आने वाली है। ये फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी पर आधारित है, जो कि मुंबई में एक वेश्या घर चलाया करती थी। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये फिल्म जहां एक अभी तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन रिलीज होने से पहले ही मुसीबतों में फंस चुकी है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस फिल्म के खिलाफ गंगूबाई काठियावाड़ी के परिवार ने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। बीते कुछ दिनों पहले भी परिवार ने आलिया के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, लेकिन एक बार फिर से आलिया के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। दरअसल हाल ही में ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि गंगूबाई काठियावाड़ी के बेटे बाबूजी रावजी शाह ने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट के खिलाफ केस फाइल किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये फिल्म द माफिया क्वीन ऑफ मुंबई नाम की एक किताब से प्रेरित है, जिसे हुसैन जैदी ने लिखा था। फिलहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि गंगूबाई के बेटे बाबूजी ने अपनी शिकायत में संजय लीला भंसाली के खिलाफ केस दर्ज करवाया है और साथ ही साथ आलिया भट्ट के खिलाफ भी। लेकिन इस किताब के लेखक हुसैन जैद और रिपोर्टर जैन का नाम भी शामिल किया गया है। दरअसल उनका कहना है कि गंगूबाई के ऊपर लिखी किताब का दूसरा हिस्सा उन्हें बदनाम करता है, उनकी निजता के अधिकार, स्वतंत्रता और स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है और आलिया के खिलाफ केस दर्ज भी किया जा चुका है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो इस केस पर पहली बार सुनवाई मंगलवार को हुई थी। ये केस बीते रविवार दायर किया गया था और इस केस की पहली सुनवाई के बाद निर्माताओं को 7 जनवरी तक अपना जवाब देना था, लेकिन अब गंगूबाई काठियावाड़ी के बेटे ने एक बार फिर से शिकायत दर्ज की है और आलिया की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।